बुरहानपुर जिले के नेपानगर की वृंदावन कॉलोनी में हुई लूट की वारदात को पारदी गैंग ने अंजाम दिया था। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर वारदात का खुलासा किया है। देखिए लाइव प्रेस वार्ता, क्या खुलासा किया एसपी देवेंद्र पाटीदार ने। घटना घटित की है, वे सारे के सारे पारदी गैंग के द्वारा घटना की है। ये घटना में सांची के पास गुलगांव है, वहां के मुख्य रूप से ही आरोपी है। ये सारे के सारे जो आरोपी गण हैं, इनका मुख्य व्यवसाय में नवरात्रि या अन्य मेले जो रहते, दीपावली या उसके आस दशहरे के आसपास में गमले, फूल, गुब्बारे, इस तरह के जो चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस गैंग के जो सदस्य थे वो भी नेपानगर के अंदर नवरात्रि में नेपानगर के मेले के अंदर भी थे, और इसमें से जो लोग गिरफ्तार किए गए वो भी खंडवा में रेणुका पुलिस लाइन के आसपास जो यहाँ पर मेला वगैरह लगा था उसमें भी, और खंडवा अपना बुरहानपुर के अंदर उसमें इन लोगों की उपस्थिति। इसमें एक अनिल नाम का सोनी मुख्य इसके मास्टरमाइंड है। सोनी यहाँ पर नेपानगर के अंदर, नेपानगर के जो मेला था नवरात्रि का, उसमें यहाँ पर उपस्थित था और उसने काफ़ी कुछ यहाँ पर रेकी भी की। इन लोगों को ये था कि रौनक जैन के यहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये वर्क करने लगे। तो अनिल, सोनी और एक सचिन और फिर बबलू, ये तीन लोग मुख्य रूप से इसमें थे। इन लोगों ने घटना दिनांक के पहले ये सारे के सारे सांची रायसेन में गुलगांव में ही थे, वहाँ से ट्रेन के द्वारा सीधे ये खंडवा आए थे। ट्रेन से खंडवा से बुरहानपुर पहुँचे थे, बुरहानपुर से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से रात को 10-10:30 बजे के आसपास नेपानगर में उतरे थे, और आउटसाइड में उतर के कच्चे रास्तों से, पटरी के रास्तों से, जंगल और पुल के आउट साइड से अलग अलग बट के ये जो घटना स्थल था उसके बैक साइड में पहुंचे। पहले इन लोगों ने वहां पे आसपास की तरफ से 4-5 मोटरसाइकिलें इन्होंने उठाई थी, जो अपने भागने के लिए इनकी जो मॉडल्स ऑफ फ्रेंडली थी। घटनाक्रम में ये वो पहले पीछे के रास्ते से अंदर घुसे, पीछे ऑफिस का गेट लगा होने के कारण ये वहां से अपने सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सामने की तरफ से घुसे। वहां पर इन्होंने चौकीदार को अपने कब्जे में किया था, ऑफिस की सर्चिंग की थी और ऊपर जाके दरवाजों को खूब बढ़ा के खटखटाया था, और बाद में दरवाजा खुलने पर मारपीट करके रौनक जैन और उनकी पत्नी से उनके जो ब्रेसलेट, अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारे लिए थे, और 1,00,000 रुपए उन्होंने जो मुनीम ने बताया था कि नीचे रखे हुए थे वो सब लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे टीवी कैमरों को खंगाला, हर एक की एक्टिविटी को बहुत बारीकी से हम लोगों ने उसमें भी ऑब्जर्व किया था, छोटे छोटे रूप में उनके फुटेजेस के आधार पर। बाद में ये लगातार जब कार्रवाई चल रही थी तो हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू जब मिला, जब इसको हम सारे रास्तों को जब सर्चिंग कर रहे थे, तो हमको पहली मोटरसाइकिल केले के खेत में बसाड़ा के पास में मिली थी। उस रूट के सारे कैमरे तलाश करने पर, ट्रांसपोर्ट नगर, अलग अलग जगह जब कैमरे सारे हुए, बुरहानपुर के आसपास भी वो कैमरों के उनकी लोकेशन आसपास सारी सर्चिंग करने पर हम लोगों को 3 मोटरसाइकिलें वहाँ से और जब्ती। रेलवे स्टेशन के सारे कैमरे करने पे ये चूंकि बट बट के अलग जा रहे थे, जैसे कि लोगों को शंका न हो कि एक साथ एक घटना करने के लिए जा रहे, सारे कैमरों और उनको देखने के बाद में वहां से भी इनकी उपस्थिति मिली। मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले उस नेपानगर के जितने भी साइबर से रिलेटेड डेटा वगैरह था, हम लोगों ने बहुत वृहद स्तर पर उनको लाखों की तादाद में तो उनका ऑब्जर्वेशन चालू किया। उन ऑब्जर्वेशंस में भी हम लोगों को कुछ नंबर हम लोगों ने उसमें सिलेक्ट कर लिए थे, जो सीधा सीधा कनेक्शन सांची और गुलगांव की तरफ से हम लोगों को डायरेक्ट कर रहे थे। जब दोनों चीज़ें हम लोगों ने मिलान करी, उसके बाद में खंडवा के रेलवे स्टेशन और बाकी सब चीज़ें की, तो सीधा सीधा इसके तार गुलगांव रायसेन से ही जुड़ रहे थे। करीब हमारे 15 से अधिक लोगों की टीम वहाँ पर लगातार 2-3 दिन तक रही। लोकल पुलिस की साथ स्थानीय मजदूर और सबको लगा के जब पूरे 12-13 लोगों को पहचान करने लगी, तब वो सारे के सारे नाम खुलासे हुए। क्योंकि गुलगांव की पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर अगर आप दबिश दो तो पकड़ के लाना बड़ा कठिन रहता है,
उनकी लोकेशन और भौगोलिक स्थिति ऐसी, जब भी आप करिएगा तो तबीश वगैरह देने में, सफलता प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत थी। किंतु जो हमारी जो दोनों टीमें गई थी ऑन स्टॉप लगी और उनको काफ़ी डिस्टेंसेस पे अलग अलग तरीके से करके उनमें से हमने चार लोगों को पकड़ा है। जिन चार लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है उसमें से मुख्य रूप से जिसमें अभी हम लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी की, अजय उर्फ बोलकी पिता प्यारेलाल, मोगिया की पारदी भी रहते, मोगिया पारदी है। दूसरा सुजीत पिता सुभाष पारदी, ये दोनों गुलगांव के हैं और इन्हीं के यहाँ पर दो लोग और हैं जो इन्हीं के साथ में रहते, रिलेटिव्स हैं, फिर गुलगांव में ही रह रहे, कांजरिया पिता मंगला पारदी और कालू पिता राजू, ये जामनी टोला सोहागपुर नर्मदापुरम के हैं। किंतु बाकी के सारे आरोपी जो हैं वहीं गुलगांव के रहने वाले। जब इन लोगों से सारी सब चीज़ें पूछना स्टार्ट की तो इन लोगों ने सभी को फुटेजेस के आधार पर अलग अलग जगह पर जितने हम लोगों ने रेलवे स्टेशन और सब जगह लिए, तो पूरी घटनाक्रम इसमें हम लोगों को ये पूरा खुलासा हुआ। यद्यपि इसके अंदर मसरूका 1,00,000 गया है, जो अभी हम लोगों ने इन लोगों से खर्च के रूप में, इनके पास 5,000-5,000 रुपये आए थे, करीब 13,000 रुपये के हम लोगों ने सीजर भी किए। इसमें एक मंगलसूत्र वो लेके गए तो टूट गया था, उसका कुछ पार्ट इसके पास से हम लोगों को मिला, वो भी हम लोगों ने जब्ती की। ये जो 13 लोग थे, कुल संख्या 13 आई है, 4 हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 9 लोग और इसके अंदर जो चिन्हित हुए हैं उसमें आपको नाम बताना चाहूँगा, अनिल पिता सपेरा, सचिन और बबलू पिता सन्नू, ये दोनों मास्टरमाइंड में से एक है, और गनी पिता चंगीराम पारदी, धोतरिया पिता कैलाश पारदी, गंगाराम पिता बाबू पारदी, सोनी पिता खम्बा मोंगिया, ये भी मेन व्यक्ति था जो यहाँ पर आया था, लड़िया उर्फ लड्डू, गोपाल पिता माकिया पारदी, समीर पिता अमित पारदी और प्रभात पिता नेर सिंह, और अजय उर्फ बोलकी, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने 13 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। ये अजय उर्फ बोलकी और अनिल पहले भी 2015 में अशोकनगर के अंदर डकैती की तैयारी में गिरफ्तार हुए थे, और ये तब पकड़े गए थे जब ये नोएडा में इन्होंने कोई एक लूट की घटना, तो नोएडा की एक घटना के अंदर भी ये लोग जो 9 महीने जेल में रहा, ये पूरा एक बड़ा घटनाक्रम था जिसको बुरहानपुर में हम लोगों की पूरी पुलिस की टीम है, जिसमें हमारे एडिशनल इसमें लगातार वहीं कैंप किए हुए थे, CSP गौरव, SDOP निर्भय सिंह हमारे अलावा जी, ये भी सब स्पॉट्स ऊपर लगातार थे, थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल और थाना प्रभारी निमोला, इसके अलावा मनीष पटेल, शहाबुद्दीन, ये जितनी हमारी टीम है, साइबर की टीम है, पूरी लंबी लिस्ट है, रमेश बाकोरिया, अमर पवार, सुखलाल, गुरदीप पटेल, हमारे विक्रम, भरत देशमुख, सिकदार देवड़ा, गजेंद्र रावत, लाल सिंह, सचिन, जितेन, सदाशिव, दुर्गेश, महिला आरक्षक मीनाक्षी, इमरान खान, सचिन मिश्रा, रंजीत धाकड़ भी सलामतपुर में यहाँ पहले रहा था, उसकी भी बहुत मदद की है, गगन शर्मा भी सांची का साइबर सेल की टीम थी, हमारी साइबर टीम के दुर्गेश, ललित, ये जो पूरी टीम है, ये रात दिन पिछले 8 दिनों से इस डकैती के घटनाक्रम में लगे थे और इस पूरी घटनाक्रम को खुलासा किया है, अपराधियों को चिन्हित किया है, 4 अपराधियों को हम लोगों ने पकड़ भी लिया है, पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं, पुलिस रिमांड के आधार पर बाकी के स्पॉट्स का वेरिफिकेशन वगैरह भी करा रहे हैं। घटनाक्रम में हमको कई जगह फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, उनका भी वेरिफिकेशन और सारी सब चीज़ें हम लोग करेंगे, CCTV फुटेजेस भी हम लोगों ने सभी जगह से लिए, कुल मिलाकर एक साइंटिफिक वे में इस घटनाक्रम को डिटेक्ट भी किया है, ग्राउंड लेवल पर भी उसका वेरिफिकेशन किया, और एक अच्छी टीम वर्क के आधार पर इस डकैती जैसे गंभीर घटनाक्रम को हमने 7 दिवस में इसको डिटेक्ट किया।